वाराणसी के किशोर सोनी लगातार जरूरतमंदों को चरण पादुका कर रहे वितरित। वाराणसी नगर के सराफा व्यवसायी किशोर सोनी जो पूरे साल भर समाज सेवा के कार्यों में अपना योगदान देते रहते हैं, जरूरतमंदों की हर वक्त यथा संभव मदद करते रहते हैं। इसी क्रम में अभी जो यह महीना चल रहा है उसे पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। सराफा व्यवसायी किशोर सोनी ने चर्चा के दौरान बताया कि शास्त्रों में एवं संत महात्माओं ने हिंदुओं के इस माह में भगवान विष्णु की पूजन प्रार्थना के बारे में लिखा है। इस दौरान पूजा एवं दान को करने से कई गुना फल पाने का पर्व बताया है। इसी पर्व में अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंद लोगों की मदद करने कहा है। जो कोई वर्ष भर में दान पुण्य का लाभ नहीं ले पाते, कम से कम इस पर्व में तप दान पूजन जरूर करे, यह संदेश दिया गया है। सराफा व्यवसायी किशोर सोनी ने आगे बताया कि मल त्याग द्वारा हमारे शरीर से अपशिष्ट रूपी गंदगी निकल जाती है और तन मन शुद्ध हो जाता है। उसी तरह हम जो भी धन अर्जित करते हैं उसे शोधन करने हेतु दशांश भाग परमार्थ में खर्च दान करने का विधान बताया है। अतः इस महीने को पुरुषोत्तम मास एवं अधिक मास के नाम से पुकारा जाता है। इसी से प्रेरणा लेकर सराफा व्यवसायी किशोर सोनी ने महीने के पहले दिन से ही संकल्प लेकर रोज गरीब जरूरतमंद बड़े बूढ़े और बच्चों को चरण पादुका का वितरण अपने घर से ही करना चालू कर दिया। लगभग 25 से ज्यादा दिन से रोज वह यह पुण्य कार्य कर रहे हैं। वैसे तो किशोर सोनी साल भर जरूरतमंदों की मदद करते हैं, किंतु इस पावन महीने में उन्होंने जो महीने भर सेवा भाव से मदद करने का संकल्प लिया है उसकी चारों ओर प्रशंसा भी हो रही है। काफी लोग प्रभावित होकर प्रेरणा लेकर इस तरह के पुण्य कार्य करने का मन ही मन निश्चय भी कर चुके हैं। वहीं किशोर सोनी के इस कार्य की जब सुप्रीम पावर टीम को जानकारी लगी और टीम उनके घर पहुंची, तब किशोर सोनी ने कहा कि यह कार्य मैं कोई प्रचार प्रसार के लिए नहीं कर रहा हूं। दान और सेवा भाव से की जाने वाली मदद हमेशा गुप्त ही रहनी चाहिए, किंतु हमारे कहने पर उन्होंने आखिरकार टीम को कवरेज के लिए हामी भरी और फिर इस महीने के महत्व के बारे में भी बताया। वाराणसी से सुप्रीम पावर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। आपका नाम? किशोर कुमार सोनी। स्वर्गीय श्री रुसलाल जी सोनी के परिवार से हूँ। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। पूर्व सराफा एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा हूँ। मध्य प्रदेश संगठन समाज का पूर्व उपाध्यक्ष भी रहा हूँ और विभिन्न पदों में मैंने उसे काम किया। उस समय श्री अनुरद्धाचार्य जी महाराज जी का व्याख्यान मैंने सुना। भगवत कथा चल रही थी, उसमें चरण पादुका भेंट का बारे में बताया। वो मेरे दिल दिमाग में जमीन में बैठा कि वास्तव में हमको सेवा करनी चाहिए। उन्होंने बताया था कि पुरुषोत्तम मास के महीने में सेवा करना चाहिए, परंतु मेरा मत इसमें थोड़ा अलग है। सेवा तो मतलब 365 दिन करनी थी, 24 घंटे करनी थी। जो जिस समय जैसी मदद का अगर हमारी क्षमता है तो हमें उसको करना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर चरण पादुका की सेवा मैंने स्वीकार की, जो कि पुरुषोत्तम मास का महीना है। अभी 3 साल में एक बार यह आता है। इसे मलमास के नाम से भी जाना जाता है, अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे संत ऋषि मुनियों ने हिंदू धर्मावलंबी को, सनातन धर्मावलंबी को ये बताया है कि जो व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए जो धनराशि कमाता है, अपने व्यापार में जो पैसा कमाता है, सर्विस में जो कमाता है, उसका 10% भाग परमार्थ के कामों में उसको खर्च करना चाहिए। चाहे वो साधु संन्यासी के मद में खर्च करें, मंदिर इत्यादि के बनाने में खर्च करें, या लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए अपना खर्च करें। तो 10% का हम लोगों को बताया गया है। अब लेकिन ये देखा जाता है कि अब सभी लोग तो 10% खर्च नहीं कर पाते। मेरा उनसे सुझाव है कि अगर 10% खर्च नहीं कर पाते तो अपन 5% करो, 5 नहीं कर सकते तो 3 करो, 3 नहीं कर सकते तो 2 करो, 2 नहीं कर सकते तो 1 करो, पर कुछ ना कुछ अवश्य करो। हमारे ऋषि मुनि ने इस बात को बोला है कि सप्ताह पास में अन्य साल भर के उसे अन्य महीनों में, अगर मान लो 36 महीनों में अगर आप किसी कारण से किसी प्रकार की कोई सेवा इत्यादि दान धर्म नहीं कर पाए, ये 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है, कम से कम इसमें करो, ये मेन उद्देश्य है इसका। भैया को देखा
ये लगभग एक महीने 20-22 दिन से ये कार्य कर रहा है। इसी हमने देखा कि एक दिन दो दिन तो सभी लोग करते, लेकिन इतने लगातार इतने बड़े रूप में अपना पर्सनल, किशोर भैया ने पर्सनल अपना खुद में रखा, कोई समाज से या संस्था से नहीं ये प्रोग्राम चल रहा है। यह देख के हमें बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम मतलब इस टाइप का प्रोत्साहन सबको मिलना चाहिए इस टाइप का कार्य करने के।